हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज है 15 दिसंबर 2017 और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक ओवरव्यू लेंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, ये आर्टिकल इकोनॉमिक रिवाइवल से रिलेटेड है। ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी अच्छे से रिवाइव नहीं कर पा रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नीचे का आर्टिकल ब्रेग्जिट से रिलेटेड है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में इंडिया, रशिया, चाइना, आईआरसी ग्रुपिंग के बारे में बात की गई है, जिसकी 15वीं मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल ओखी साइक्लोन से रिलेटेड है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पेज पर जो लेफ्ट, राइट और सेंटर व्यू डिस्कस किया गया है या फिर यस नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये आज इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हर फ्राइडे को एक कोई लॉ या फिर एक्ट डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पर आज जो एक लॉ डिस्कस किया गया है, जो रिकमेंडेशन डिस्कस की गई हैं, वो हेट स्पीच से रिलेटेड हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, यह है इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन। आप हमें पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्वालिटी इन्हेंसमेंट के लिए आप आंसर्स रूम से लिखते हैं, जबकि स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप आंसर्स अपने कोच के सामने बैठ के ऑन स्क्रीन टाइमर पर लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक डायरी का सहारा लिया जाता है, जिसे डेली बेसिस पर इंस्पेक्ट किया जाता है। आपके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इस प्रोग्राम में इंक्लूड होती है। इसके अलावा ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट भी हुआ करते हैं। ये है कोच डायरी, जिस पर आपके कोच आपकी तैयारी करवाते हैं, और ये है टाइम मैनेजमेंट डायरी, जिस पर आपको काम करना होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे राइटिंग में हमारे लिए आज क्या है। द टेम्पल्स एंड द मॉक्स मॉस्क आर द सेम, द हिंदू वर्शिप एंड द मुसलमान प्रेयर आर द सेम, ऑल मैन आर सेम, इट इज थ्रू एरर दे अपियर डिफरेंट। टी एच होगा यहाँ, ठीक है। इट इज थ्रू एरर दे अपियर डिफरेंट। गुरु गोविंद सिंह ने यह स्टेटमेंट कहा था कि जो टेम्पल और मॉस्क हैं वो लगभग सेम ही हैं, जो हिंदू वर्शिप की जाती है या मुसलमान प्रेयर की जाती है वो भी सेम ही है, बस ये बाय फॉल्ट है कि वो लोग हिंदू और मुसलमान देखने में अलग अलग दिखते हैं, ड्रेसिंग सिस्टम अलग है, या फिर जो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आप सोशल हार्मनी की बात कर रहे हो, रिलीजियस हार्मनी की बात कर रहे हो, तो आप गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि 10th गुरु थे सिखिज्म में या लास्ट गुरु थे सिखिज्म में, उनके स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। काफी अच्छा स्टेटमेंट है। फैक्ट ये है कि सिखिज्म, जो कि पंजाब में 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था, ये 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया। 16.3 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन का 1.9% रिप्रेजेंट करता है सिखिज्म। तो ये कुछ बातें हैं सिखिज्म के बारे में जो मैंने आपको बताई, अगर कहीं काम आ जाए तो आप इसे कोट कर सकते हैं। तो ये बातें ऐसे राइटिंग के लिए। पहला आर्टिकल रिवाइवल रिस्क, पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़िए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, प्राइस राइजिंग जो चल रही है अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो हमें ये दिखा रहा है कि हमारी इकॉनमी अभी भी अच्छे से रिवाइव नहीं कर पाई है। पिछले दिनों में जब सेकंड क्वार्टर का डेटा रिलीज हुआ तो काफ़ी सहूलियत देखने को मिली, हमें लगा कि हमारी इकॉनमी अब अच्छे ट्रैक पर जा रही है। उसी समय मूडी ने हमारी रैंकिंग भी इंक्रीज कर दी। इसके अलावा हमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी हमारी इकॉनमी ने सेकेंड क्वार्टर में इस इकोनॉमिक ईयर के 6.3% की रेट से ग्रोथ दर्ज की, ये भी अच्छा देखने को लगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी अच्छी थी, जीएसटी के बाद कुछ बेहतर हमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखने को मिली, तो लगा कि हाँ, अब धीरे धीरे जो इकॉनमी है वो रिवाइव कर रही है। स्टिल जो थर्ड क्वार्टर का डाटा अभी थोड़ा बहुत हमारे सामने आ रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि अभी भी जो हमारी इकॉनमी है वो समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाई है। देखिए, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो हैं ये हमें दिखा रही हैं कि हमारी इकॉनमी अभी भी अच्छे ट्रैक पे नहीं जा पाएगी। आईआईपी जो है उसकी ग्रोथ जस्ट 2.5% रही है, जो कि इसी समय लास्ट ईयर में 5.5% थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.5% मिली है, जो कि घट गई है 3.8% से। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो शिपमेंट में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 1.1% है, जो कि कभी 13% हुआ करती थी इसी समय। 10% ड्रॉप रेट हमें देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में। अब ये देखिए, कुछ समस्याएं हैं, ये फैक्ट्स आप याद मत करिएगा, बिकॉज जब तक आपके आंसर्स लिखने का समय आएगा तब तक ये फैक्ट्स बदल चुके होंगे। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी हमारे लिए कंसर्न्स रेज कर रहा है। तो जो सिचुएशन है वो हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि हमारी इकॉनमी को अभी बाहर आने में समय लग सकता है, और अगर हम ये अभी क्लेम करते हैं कि इकॉनमी रिवाइव कर रही है तो ये उचित नहीं है। तो कुछ डेटा फैक्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिया है। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि देखिए, फ्यूल टैक्सेस को अगर कम नहीं किया जाएगा तो हम इन्फ्लेशन को कर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्यूल टैक्सेस को कम किया गया तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, जो कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सेंट्रल बैंक के पास
जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, उसको कम करने का गैप कम हो जाएगा। जैसे काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि जो RBI है वो रेपो रेट को कम करेगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है, अगर हमने रेपो रेट को कम किया तो फर्दर इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस आर्टिकल के लिए थी। मैंने मीन्स के पॉइंट इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं, बिकॉज इसमें जो फैक्ट्स वगैरह दिया गया है या जो बातें बताई गई हैं ये आपके एग्जाम तक बदल जाएंगी। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। अब देखिए अगला आर्टिकल है RIC ग्रुपिंग से रिलेटेड है। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए बाइलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। न्यू दिल्ली ने अभी होस्ट किया जो फॉरेन मिनिस्टर से रसिया के और चाइना के, रसिया इंडिया चाइना RIC ग्रुपिंग की ये 15th मीटिंग थी, जो कि क्वाड डिस्कशन जो अभी हुआ इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में जो एक मीटिंग हुई उसके एक महीने बाद एक दूसरे ग्रुप की मीटिंग अभी यहां पर हुई, रसिया इंडिया और चाइना की। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम RIC के बारे में जान लेते हैं, रसिया इंडिया और चाइना की ग्रुपिंग के बारे में। सबसे पहले इसको 1998 में प्रपोज किया गया था जो उस समय रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा। हालांकि उस समय उनको चाइना और इंडिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहते थे। अल्टीमेटली इसको एक टेंजिबल फॉर्म मिला 2002 में, जब रशिया चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर UN जनरल असेंबली की मीटिंग के बाद न्यूयॉर्क में मिले। उसके बाद से ही सन 2000 के बाद से ही इंडिया चाइना और रशिया की हर साल मीटिंग होती है। काफ़ी लंबे समय से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनसेट कर रहा है बाकी और कोऑपरेशन ग्रुप्स को, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया चाइना और रशिया तीनों ही हैं। तो उस लेवल पे भी ये जो RIC की ग्रुपिंग है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनसेट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है उसके साथ भी। ये 15th ट्राइलैटरल मीटिंग थी जो अभी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई है। कई सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। देखिए काफ़ी ब्रॉडर डिस्कशन यहाँ पर हुआ, जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है वेस्ट एशिया में या फिर नॉर्थ अफ्रीका में उसके बारे में बात की गई, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बैक ट्रैक पे लाया जाए उस पर बात की गई, टेररिज्म के मुद्दे पर बात हुई, ऑर्गेनाइज क्राइम पर, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग पर, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी बात की गई इस मीटिंग में। हालांकि देखिए इंडिया और रशिया और चाइना के जो इस समय इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी डाइवर्जेंस में है। चाइना कुछ और चाहता है, इंडिया कुछ और चाहता है और रशिया कुछ और चाहता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। उन्होंने हालांकि ये कहा कि वो मानते हैं कि इंडिया के कंसर्न्स हैं, सॉवरेनिटी कंसर्न्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, लेकिन इंडिया को बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको अलाइन नहीं करना चाहिए BRI के साथ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को टारगेट किया गया क्वाड मीटिंग को लेकर जो अभी एक महीने पहले हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उन्होंने एक इंडिकेट किया कि जो सस्टेनेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसे एशिया पैसिफिक रीजन में जो क्लोज्ड ब्लॉक अरेंजमेंट है उसके जरिए नहीं पाया जा सकता। क्लोज्ड ब्लॉक अरेंजमेंट इंडिकेट किया जा रहा था क्वाड मीटिंग को जिसमें इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। मिस्टर वांग, देखिए चाइना का जो स्टैंड है वो अभी भी काफ़ी हार्श है। जो मिस्टर वांग वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक हार्श स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत डिप्लोमेसी के साथ इंडिया को डील किया है और इंडिया ने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने डोकलाम से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। तो अब ऐसे हार्श स्टेटमेंट देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया कि चाइना और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो डिफरेंसेस से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, ये बातें तो अच्छी बात है, मैंने आपको बता दिया। देखिए अभी जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट है जब इस ट्राइलेटरल ग्रुप को बनाया गया था तब से। जब 2000 में इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को तैयार किया गया था, 1998 में प्रपोज किया गया था, तब सिचुएशंस कुछ और थी। सिचुएशंस की कुछ यूं थी कि रशिया जो कि एक समय USSR के फॉर्म में सुपर पावर हुआ करता था, 1991 में USSR का विघटन हुआ, मिखाइल गोरबाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की थ्योरी दी और उसके बाद ही रशिया का विघटन हो गया। रशिया के विघटन होने के बाद जो हायरार्की मिली, जो लीगेसी मिली USSR की, वो रशिया को मिली। तो रशिया का जो स्टैंड था वो काफ़ी नीचे चला गया ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो उसको रिवाइव करना चाहते थे, उसके रिवाइवल के लिए वो चाहते थे कि एक अच्छा सा ग्रुप तैयार हो जाए जो कि USA को काउंटर कर सके। इसी लिहाज से उन्होंने इंडिया और चाइना के साथ मिलकर एक ग्रुपिंग तैयार करने का फैसला किया था जो कि 2002 से शुरू भी हो गया। चाइना का स्टैंड देखते हैं, चाइना की इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उनका एम्बिशन था कि वो एक ग्लोबल पावर बने, वो चाहते थे कि USA को काउंटर करें बिकॉज USA उनके लिए एक बड़ा थ्रेट था। तो USA को थ्रेट के रूप में देखते हुए चाइना को उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा था कि वो इंडिया और रशिया के साथ कोऑपरेट करें, तो उन्होंने कोऑपरेट किया। इंडिया की बात करें, इंडिया का जो कंसिडरेशन था वो काफ़ी डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया के लिए ग्लोबल पावर बनने जैसा कुछ भी नहीं था। 2000 की बात कर रहे हैं, सन 2002 की बात कर रहे हैं, वो तो अभी भी स्कोप बहुत कम है, तो उस समय तो और भी कम था। लेकिन इंडिया ने फिर भी इस ग्रुपिंग में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि इंडिया ये मानता था कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसी भी लिहाज से भारत के हित में नहीं है। उस समय इंडिया और USA के जो रिलेशंस थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। 1998 में हमने एटॉम बॉम्ब का परीक्षण किया था और उसके बाद ही काफ़ी सैंक्शन उसके द्वारा इम्पोज किए गए थे।
तो सिचुएशन में इंडिया ने सोचा कि ठीक है यूएसए को काउंटर करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं ताकि जो सारे ग्लोबल पावर्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करते रहें। लेकिन देखिए आज सिचुएशंस कुछ अलग हैं। आज रसिया हमसे कह रहा है कि आप चाइना के बीआरआई को में शामिल हो जाओ, जबकि चाइना का बीआरआई हमारे कश्मीर के रीजन से होकर जा रहा है जिसको पाकिस्तान ने अभी ऑक्यूपाई करके रखा है। चाइना डोकलाम के मुद्दे पर आकर हेकड़ी दिखाता है, इसके अलावा मसूद अजहर पर वो वीटो करते हैं, हर मुद्दे पर विरोध चल रहा है चाइना के बीच में, इंडिया के बीच में। रशिया का जो स्टैंड है, लोग कहते हैं, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं कि इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिलेशंस खराब किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसए। ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बदल गया है, ऐसा नहीं है कि रशिया इंडिया के साथ बहुत अलाई होना चाहता है, उनको भी अपना इंटरेस्ट चाइना में दिख रहा है इन कंपैरिजन टू रशिया इंडिया, इस लिहाज से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो ये चीज आप देख सकते हैं। प्लस इंडिया के आज जो रिलेशन है यूएसए के साथ काफी बेहतर है, इस कंपैरिजन में आज हमें आवश्यकता है कि हम चाइना को काउंटर करें, ठीक है, इसके लिए हमने क्वाड मीटिंग में शामिल होने का फैसला भी किया। तो इस लिहाज से जो आरसीआई की मीटिंग है इसके बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजंस निकलेंगे, ये बहुत सही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा देखिए यहां पर टेररिज्म की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनका नाम नहीं लिया गया। तो अल्टीमेटली जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं अगर इसमें फुलफिल नहीं होते हैं तो इंडिया बहुत दिनों तक कैसे इसे कंटिन्यू करेगा, और ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग है इसके रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं। तो कुछ बातें हैं इस ग्रुपिंग के बारे में। कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि आज इंडिया काफी कॉन्फिडेंट है, वो कई सारे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंडा रख सकता है, जैसे चाइना ने बैलेंस किया यूएसए को और रशिया को, उसी तरीके से इंडिया भी कैपेबल है कि वो मैनेज कर सकता है वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को को एक साथ, तो इंडिया को वैसा करना भी चाहिए, एक अच्छा सा कंक्लूजन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ पर्पल पॉइंट्स फॉर मींस पीपीएम। पहली बात तो यह है कि आप जानिए कि जो आरआईसी की ग्रुपिंग है ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में, जो 2002 के बाद से हर साल मिलती है। काफी डाइवर्जेंस है इंडिया और रशिया के बीच में। रशिया ने यह बोला कि इंडिया को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। जब इंडिया रशिया रिलेशंस की बात आएगी तो आप इस जो स्टेटमेंट है उसको कोट कर सकते हैं। चाइना और इंडिया अभी देखिए जो इनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो इनके डिफरेंसेस से और भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक अच्छी लाइन है। जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशन की बात कर रहे हो तो इस लाइन को उठा के रख सकते हैं। और चौथा पॉइंट, इंडिया आज काफी कॉन्फिडेंट है, वो कई सारे एजेंडा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रख सकता है और वो कैपेबल है कि अपने रिलेशन को वो मेंटेन कर सके वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के साथ एक साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप आंसर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली न्यू दिल्ली होस्टेड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रशिया एंड चाइना एंड रशिया इंडिया चाइना आरआईसी ट्राइलेटरल मीटिंग हेल्ड इट्स 15th मीटिंग, ट्राइलेटरल हेल्ड इट्स 15th मीटिंग, डू यू थिंक अंडर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आरआईसी ग्रुपिंग इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस। सब्सटेंशिएट करिए आप 250 शब्दों में इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। अगला आर्टिकल विज डिजास्टर मैनेजमेंट आफ्टर ओखी, पेपर थे टॉपिक को जोड़िए डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए साइक्लोन ओखी ने स्ट्रक किया कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, इसके अलावा केरला के कुछ पार्ट्स में 29 और 30 नवंबर की रात को। आर्टिकल का कहना है अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं एक्शन प्लान्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो जो एट्रोसिटीज हैं वो कम हो सकती थी, जो नुकसान हुआ है वो कम हो सकता था। बात करते हैं, देखिए 120 फिशरमैन की जान गई है, 900 लोग अभी भी मिसिंग है, डेटा और भी ज्यादा हो सकता है। साइक्लोन ओखी ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, क्या प्रॉब्लम्स आई, तीन लेवल पे गवर्नमेंट फेल हुई। पहला तो जो वार्निंग दी गई वो काफी देर से दी गई, वार्निंग देने के बाद जो वार्निंग थी वो इनइफेक्टिव साबित हुई क्योंकि जस्ट 12 घंटे पहले वार्निंग दी गई थी और 12 घंटे में तो जो फिशरमैन समंदर में है वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो फिशरमैन जाते हैं वो 15 दिन एक महीने के लिए समंदर में चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। दूसरी बात कि जब साइक्लोन ने स्ट्रक कर दिया उसके बाद वॉर लाइक मोबिलाइजेशन नहीं किया गया रिसोर्सेस का या फिर एक्शन का ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके, तो ये कुछ समस्याएं हुई, दैट्स वाई जो एट्रोसिटीज थी जो प्रॉब्लम्स थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। देखिए नेग्लिजेंस जो किया गया फिशरमैन के प्रति या फिर और लोगों के प्रति उसने नुकसान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जस्ट 12 घंटे पहले दिया गया ये भी गलत था, अगर इन्फॉर्मेशन और पहले दी गई होती तो और अच्छी तैयारी की जा सकती थी। इसके अलावा देखिए आपने इतने कम मार्जिन पर अगर इन्फॉर्मेशन दी तो ये तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में तो काम का साबित हो सकता है लेकिन कन्याकुमारी वाले रीजन में नहीं, क्योंकि वहां आसपास के रीजन में मछलियां हैं नहीं और जब भी फिशरमैन को मछलियां पकड़ना होता है तो वो समंदर में काफी अंदर तक चले जाते हैं और 12 घंटे में वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उनका जो ये फोरकास्ट करने का तरीका है वो भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, वो 60 नॉटिकल माइल्स के आगे नहीं गए, उन्होंने बोला कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, दैट्स व्हाई वहां नहीं जा सकते। तो ये कुछ समस्याएं हुई, नेग्लिजेंस दिखाया गया, दैट्स व्हाई समस्याएं बढ़ी हैं। क्या किया जा सकता था, पॉइंट नंबर वन कि एक्शन प्लान जो था उसको बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया जा सकता था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जिसमें जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको लॉन्च किया जा सकता था और जो सर्च व्हीकल्स थे उनको चलाया जा सकता था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, तो समस्या का समाधान और बेहतर तरीके से हो सकता था। कोस्ट गार्ड के जो शिप्स थे
उन्हें अपने साथ कुछ फिशरमैन या विलेजर्स को ले लेना चाहिए था, बिकॉज उनको पता है कि कौन कहाँ फिशिंग करने जाता है और वो बहुत आसानी से उनको लोकेशन तक ले जा सकते थे। देखिए वहां पर जब कुछ जो फिशरमैन थे पहुंचे तो वहां पर उनको डेड बॉडीज जो है वो तैरती हुई मिली। कुछ डेड बॉडीज को तो वापस लाया भी नहीं जा सका। तो बहुत बुरी सिचुएशन हुई है ओखी साइक्लोन के बाद। इंडियन नेवी जो थी वो वास्ट एरेसेप्स का इस्तेमाल कर सकते थे और इमीडिएट एक्शन ले सकते थे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे सामने हैं। इंडिया ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास किया, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में तैयार की गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में लाया गया और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन आखिर ये सब कर क्या रहे हैं? क्या ये वास्तव में डिजास्टर मैनेजमेंट समस्या का समाधान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन अभी भी हमारे मन में बना हुआ है। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि चलिए जो हुआ सो हुआ, काफी नुकसान हुआ है, क्रॉप्स बर्बाद हो गई हैं किनारे की, बनाना, रबर और कोकोनट वगैरह की। अभी जो चाहिए वो ये है कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसको आप बहुत तेजी से चलाएं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकेले ये काम नहीं कर पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना होगा। जल्दी जल्दी एक सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर को वहां भेजा जाना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट में विजिट करे, रिव्यू करे कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद जो कुछ भी कंपनसेशन देना जरूरी है उसको ग्रांट किया जाए। तो ये तो कंक्लूजन देखते हैं पर्पल पॉइंट्स फॉर मींस पीपीएम को। देखिए कुछ जनरलाइज किए हैं मैंने कुछ पॉइंट्स को जो किसी भी आंसर्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो तो। जैसे कि क्या प्रॉब्लम होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की समस्या, जब कोई डिजास्टर आता है तो कैसे मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। जो साइक्लोन वगैरह की समस्या है तो वार्निंग में काफी डिले कर दिया जाता है, वॉर लाइक मोबिलाइजेशन नहीं किया जाता रिसोर्सेस का, एक्शंस नहीं लिए जाते तेजी से, और जो कोस्ट गार्ड वगैरह हैं वो भी अपने काम में इफिशियंसी नहीं दिखाते। तो ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब भी कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है। तो ये एक पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कई सारी बॉडीज बनाई गई हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होमवर्क है आपके लिए, आप इन सारे एक्ट्स के बारे में या फिर पॉलिसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो चौचा लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर आपको इन सब के बारे में कुछ कुछ पता है तो आप अपने आंसर्स में वेट डाल सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब इसके अलावा देखिए, अब इनके फंक्शनिंग पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके अलावा एक बात और है, सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर को बहुत जल्दी वहां भेज देना चाहिए कि वो रिव्यू करें और कंपनसेट किया जाए। आपको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि कभी कोई डिजास्टर होता है तो एक सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर वहां जाता है, सब कुछ रिव्यू करता है। तो एक पॉइंट आपके पास रहेगा, आप ऐड कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, मेंस के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली साइक्लोन ओखी स्टक कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला दैट कॉज डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन लाइव्स ऑफ पीपल, सजेस्ट फ्यू मेजर्स फॉर बेटर हैंडलिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स अकरिंग इन इंडिया। तो आप मेजर सजेस्ट करिए कि जो समस्याएं ऐसी आती हैं डिजास्टर से लेके उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। 150 शब्दों में लिखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, रिफाइनिंग हेट स्पीच, पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़िए, मैकेनिज्म लॉज। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कुछ अमेंडमेंट आईपीसी में ताकि हेट स्पीच को अच्छे से डील किया जा सके। अब देखिए डेफिनेशन क्या है हेट स्पीच की, जो आर्टिकल में ही दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि हेटरेट को इंसाइट कर रहा है, दो ग्रुप्स के बीच में एक दूसरे के खिलाफ में बातें कर रहा है, वो कोई मुद्दा उठाता है रेस का, एथनिसिटी का, जेंडर का, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, रिलीजियस बिलीफ का, अगर ऐसे किसी मुद्दों को उठाकर वो हेटरेट को इंसाइट करने का प्रयास करता है तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। इसी लिहाज से अगर आपने कोई भी रिटन, स्पोकन, सिग्नल या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जिससे कि जो हेट्रेड है वो इंसाइट होता है तो उसे हेट स्पीच कंसिडर कर लिया जाएगा। तो डिफाइन किया गया आर्टिकल, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हेट स्पीच इसके बारे में देखिए, काफी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है हेट स्पीच का, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, मतलब आपके पास बोलने की आजादी है। मुद्दा यह है कितना आप कितना बोल सकते हैं और कितने के बाद आपको बोलने की मनाही हो जाएगी। तो काफी थिन लाइन है, हम क्लियर नहीं कर पाते कि आपने ये बोला तो सही है कि नहीं है, तो इसमें काफी दिक्कत आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज किया, इस लिहाज से उन्होंने लॉ कमीशन को कहा कि आप कुछ रिकमेंडेशन दीजिए ताकि डिफाइन किया जा सके और कैसे हम डील करें ये जो हेट स्पीच है उसको। तो लॉ कमीशन ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी जिसमें असिस्ट कर रहे थे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस बी एस चौहान, वो भी। तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं हमारे आईपीसी में। उन्होंने कहा कि आप एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017 लेकर आओ जिसमें आप कुछ सेक्शंस ऐड करो आईपीसी में। एक सेक्शन आप ऐड करो 153C, इसके तहत अगर कोई हैट्रेड इंसाइट करता है तो उसको सजा दी जाए, और एक आप सेक्शन और ऐड करो सेक्शन 505A, अगर उससे जो नुकसान होता है, वायलेंस फैलता है, तो उसको इसमें डील किया जाए। देखिए अगर 153C के अंतर्गत कोई भी प्रावधान आता है, सजा आती है, तो 2 साल की सजा दी जाएगी, 5,000 तक का जुर्माना होगा, और सेक्शन 505 में आता है तो 1 साल तक की सजा होगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना जानते रहिए। तो ये तो हुई बात हेट स्पीच के बारे में। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको आज यहां प्रीवियस ईयर का दिया है,
क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन को डील करना है। 2013 में पेपर वन का पहला क्वेश्चन ये है, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट करना है 200 शब्दों में। देखिए, क्वेश्चन दे देना इज नॉट इनफ, बिकॉज वैसे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिफाइन कर दीजिए कि जो संगम पीरियड था वो कैसा था, संगम लिटरेचर्स के बारे में आप कुछ बता दीजिए, ताकि एक इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो जाए। जैसे इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हो कि संगम पीरियड कब से कब तक था, 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं वो संगम पीरियड से जुड़े हुए लिटरेचर्स हैं, ठीक है। उसमें आप ये भी बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिनसे एसोसिएटेड थे लिटरेचर्स, लाइक चोला, चेरा और पांड्या, आप उनका जिक्र कर दो। अगर आप कुछ लिटरेचर्स का नाम लिख देते हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि उस समय इलांगो ने लिखा था शिल्पाधिकारम और मनमेखली लिखी गई थी सिताली सतनार के द्वारा, आप उसको भी अगर इसमें जोड़ दो तो आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। अब आपने एक अच्छा सा 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन इतनी सारी बातें लिख के तैयार कर दिया, अब एक अच्छा वेटफुल इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है इसमें, तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कैसे नहीं करता है। फिर आप बताइए कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पहले तो आप ये बताओ। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, आप इसमें ये बता सकते हो कि देखिए जो ये लिटरेचर्स लिखे गए हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये पोएट्स, राइटर या पोएट्स के द्वारा लिखे गए हैं। अब इन पोएट्स को पैटर्न मिला करता था वहां के राजाओं के द्वारा, तो ये कभी भी उनके विरोध में नहीं लिखते थे, ये हमेशा उनका हेरोइज्म दिखाते थे कि वो कैसे वॉर लड़ते थे, कैसे वो सब कुछ करते थे। कई बार तो ये कुछ इमेजिनरी बातें भी लिख दिया करते थे उनको अपीज करने के लिए, और कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल जगहों के बारे में या वॉर्स के बारे में बता देते हैं जिनका कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिलता है। जैसे कि इन्होंने एक जगह का नाम बता दिया था कावेरीपट्टनम, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो पोएट्स ने लिखा है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्यूरेट वो बताते नहीं है। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि इन लिटरेचर्स में जो पॉलिटिकल इवेंट हैं उनको टाइम वाइज फोकस नहीं किया गया है, जो कि आज के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता। आप एक बात और भी बता सकते हो कि इसमें जो राजाओं के फॉरेन रिलेशन हैं उनको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हो कि जो संगम लिटरेचर्स हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर लिया ना, अब आप बताइए कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे बताता है। तो आप वहां की जो सोसाइटी थी उसके बारे में बता सकते हो कि जो सोसाइटी थी वो चार हिस्सों में डिवाइडेड थी। हाँ, उसमें जैसे कि पॉलिटिकल वाले में आप ये भी बता सकते हो, एक पॉइंट और याद आ रहा है कि जो तुलकाप्पियम था, जो लिटरेचर्स हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट भी नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तुलकाप्पियम जो कि बहुत अच्छा लिटरेचर है वो एक ग्रामर बुक है, तो उससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है। अब अगर आपको सोसाइटी के बारे में वहां के बताना हो तो आप ये बता सकते हो कि वहां जो सोसाइटी थी वो चार क्लासेस में डिवाइडेड थी, जैसे कि अरासार वो एक रूरल क्लास था, अथासार वो प्रीस्ट हुआ करते थे, वेल्लास जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, और वेनियास जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो नॉर्थ इंडिया से काफी अलग क्लासिफिकेशन था वहां की सोसाइटी का। वुमेन्स के, वहां की सोसाइटी में वुमेन्स के बारे में आप बता सकते हो कि जो वुमेन्स थी उनको अपना पार्टनर चूज करने का राइट हुआ करता था, लॉ मैरिज काफी कॉमन थी, हालांकि जो विडो लाइफ थी वो काफी माइजरेबल थी, सती प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस की जाती थी उस समय, अलाउड थी, हुआ करती थी। तो वुमेन के बारे में आपने बता दिया। तो ये आपने बता दिया कुछ सोशल चीजों के बारे में। अब इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में आप बता सकते हो कि जो एग्रीकल्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस समय, जो कल्टीवेशन किया जाता था मेजरली वो किया जाता था राइस का, रागी का और टर्मरिक का। वुमेन जी थी उनका भी पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में हुआ करता था, हालांकि काफी लिमिटेड था, जैसे कि वो एनिमल हस्बेंड्री या फिर पाश्चराइजेशन इसी समय बस काम करती थी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो कि कितना सिग्निफिकेंस है संगम पीरियड के जो लिटरेचर्स थे उनका। तो ये एक अच्छा आंसर आप बना सकते हो। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ आपके लिए जिसका आप जवाब दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आज की केस स्टडी देखते हैं। ये जो केस स्टडी मैंने उठाई है ये 2013 में जो आपका एथिक्स का पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें 9वां क्वेश्चन जो था वो यही केस स्टडी थी, तो वही मैंने आज यहां पर रख दी है। आप इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जो कि आरटीआई की एप्लीकेशन को डील करते हैं, ठीक है। आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जब आप इन्फॉर्मेशन देने की सोचते हैं तो आपको पता ये चलता है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी जो कि आपके द्वारा लिए गए हैं और वो गलत हैं। साथ ही आपके जो और इम्प्लॉइज हैं वो भी आपके डिसीजन का पार्ट थे। तो अगर इन्फॉर्मेशन दी गई उस आरटीआई के जरिए तो उससे आपको और आपके जो अलाइज हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन से कुछ गलत डिसीजन जुड़े हुए हैं। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को ना दें या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दें, गलत तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को छिपा लें, तो या तो आपको गलत कम पनिशमेंट मिलेगी या हो सकता है पनिशमेंट मिले ही ना। वैसे तो आप काफी ऑनेस्ट हैं, अंतर्विवेकशील हैं,
लेकिन ये जो पार्टिकुलर डिसीजन है आरटीआई एप्लीकेशन का, यहां पर अगर आप इंफॉर्मेशन लीक करते हैं अपने बारे में तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये व्यक्ति जो ये पीआईओ हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो समस्या में फंसे हुए हैं, ये आपके पास जाते हैं और आपसे आपका सजेशन मांगते हैं और आपको सजेशन देना है कि आखिर क्या करें वो इस समय। अब चार ऑप्शंस यहां पर यूपीएससी ने आपको दिए और वो पूछते हैं कि इन चारों ऑप्शन का आप पॉजिटिव और निगेटिव बताओ, मेरिट और डिमेरिट बताओ। पहला ऑप्शन वो देते हैं क्वेश्चन में, वो ये है कि पीआईओ जो है वो इस केस को अपने सुपीरियर ऑफिसर को रेफर कर सकता है, और मतलब अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास जा सकता है और ये कह सकता है कि वो उसको एडवाइस करे, ठीक है। इस कंडीशन में आप बताइए कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन वो देते हैं कि आप इस मुद्दे को अपने आप, मतलब अपने आप से ये जो आरटीआई के पास आई है आप इसको छोड़ दो, कह दो कि भाई मैं इस आरटीआई को डील नहीं करूंगा, और जो आपका सक्सेसर आता है वो इस आरटीआई को डील करे, उसको जैसे डील करना है करे, जो इन्फॉर्मेशन देना है दे। दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया। तीसरा ऑप्शन ये हो गया कि आप इन्फॉर्मेशन को वैसे तो सब सच सच बता दो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे कर दो कि आप और आपके जो साथी हैं वो लोग बच जाए। तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन ये है कि आप कंसल्ट करो अपने अदर कलीग से जो आपके इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे, और सब लोग मिलकर एक प्रॉपर डिसीजन लो कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप इन चार ऑप्शन को तो एनालाइज करो, इसके अलावा आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू भी बताओ कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। चारों को एनालाइज करो, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन भी बताओ। तो ये तो आज की केस स्टडी है जो 2013 में यूपीएससी ने पूछी थी। अब आइए इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट है उसके मेरिट और डिमेरिट को देखते हैं। पहले पॉइंट में मेरिट ये है कि देखिए इस तरीके से लगता है, अगर आप वैसे तो जो पीआईओ हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो काफी ऑनेस्ट हैं, गलती से उन्होंने कोई गलती कर दी है तो अगर वो सीनियर ऑफिसर से कंसल्ट कर सकते हैं तो सीनियर ऑफिसर के पास जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, हो सकता है कि उसके जरिए वो उनको कोई सजेशन दे दे जिससे कि वो बच जाएं। तो ये तो मेरिट है अगर आप सुपीरियर के पास जाके उनसे सजेशन मांगते हैं तो। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि हो सकता है कि सुपीरियर ऑफिसर को जब इस बात की इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने गलती पहले करी थी तो वो नाराज हो जाएं, वो आपसे केस लेकर किसी और बंदे को ट्रांसफर कर दें, या हो सकता है कि बाकी के बीच के पीरियड के लिए वो आपको सस्पेंड भी कर दें जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये तो इस पॉइंट का डिमेरिट है। दूसरे पॉइंट का मेरिट ये है जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने सक्सेसर पर इस मुद्दे को छोड़ दें, तो ये तो ये दिखाता है, मेरिट ये है कि आप चाहते हैं कि नेचुरल इन्वेस्टिगेशन हो केस की, और आपको जो स्ट्रेस है कि आप फंस जाएंगे कि बचेंगे, आप उस स्ट्रेस से मुक्ति पा लें। तो ये तो मेरिट है इसका, आपको मुक्ति मिल जाएगी उस स्ट्रेस से अगर अपने सक्सेसर पर इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। लेकिन डिमेरिट क्या है? देखिए इस बात से ये पता चलता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं और उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक एथिकल डिलेमा को सॉल्व कर सकें या फिर एक ऐसे केस को सॉल्व कर सकें जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है। ऐसे टर्मोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, लाइक एथिकल डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये बताना पड़ता है कि कहां क्या है। बाकी जो कन्वर्सेशन सेक्शन हम कर रहे हैं उसमें हम धीरे धीरे उसको कवर तो कर ही लेंगे। तीसरा पॉइंट जिसमें यह बोला गया है कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए लेकिन थोड़ा बहुत डेविएट कर दीजिए इन्फॉर्मेशन को ताकि आप बच जाएं, बाकी आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो इसकी मेरिट तो ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आरटीआई के तहत आप इन्फॉर्मेशन भी दे दोगे और आपके कलीग्स बच भी जाएंगे। लेकिन डीमेरिट ये है क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके साथ पर्सनल यूज के लिए टेम्परिंग करना सीरियस क्राइम है, और इस लिहाज से क्वेश्चन रेज होता है आपकी ऑनेस्टी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, इंटीग्रिटी पर। फर्दर अगर बाद में ये बात लीक हुई कि आपने टेम्परिंग की है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ तो आपको और कड़ी सजा मिल सकती है, तो ये डीमेरिट है। चौथा ऑप्शन जो था जिसमें ये कहा गया था कि आप बाकी साथियों के साथ कंसल्ट करके फिर डिसीजन लें, तो देखिए इसमें एक अच्छी बात है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आपके डिसीजन में और आप अकेले गिल्टी नहीं है, सभी गिल्टी हैं। तो आपके साथ आप सबके साथ कंसल्ट कर लीजिए और फिर जो एक डिसीजन निकले आप उसके साथ काम करिए, ठीक है। तो एक अच्छा मेरिट है इसका। डिमेरिट क्या है कि देखिए इस बात से ये पता चल रहा है कि जो आप अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है उसको आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके कलीग हैं वो आपको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं कि आप उनके डिसीजन में फेवर लें, उन सभी को बचा लें। तो ये चारों ऑप्शन के मेरिट और डिमेरिट थे, ठीक है। अब आप क्या एडवाइस दे सकते हो अपनी तरफ से जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है? तो देखिए मेरी एडवाइस तो ये है कि आरटीआई एक्ट ये कहता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उससे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इन्फॉर्मेशन सीकर के द्वारा, वो चुपचाप 100 बातों की सीधी बात पूरी इन्फॉर्मेशन सच सच दे। तो उसको ये चाहिए कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन ज्यों की त्यों उस इन्फॉर्मेशन सीकर को दे दे। इसके अलावा वो अपनी गलती को मानते हुए एक अपॉलॉजी लेटर जो अपना सीनियर ऑफिसर है उसको सौंप दे, उसके बाद जो होना है वो हो, सारी बातें वो प्रोसीजर पे छोड़ दे। तो ये एक सही जवाब हो सकता है मेरी तरफ से। अगर आपकी तरफ से कोई और जवाब हो सकता है तो आप बताइए। तो ये तो केस स्टडी हो गई आज की। अब आइए देखते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बनना होगा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस से हो गया सोशलाइजिंग विद डिफरेंट पीपल एंड व्यू पॉइंट। आपको चाहिए कि आप एक सिनर्जी क्रिएट करें अलग अलग लोगों के साथ, आप उससे अच्छे से कनेक्ट हो जाएं और जो उनका व्यू पॉइंट है आप उनको रेस्पेक्ट करें, उनको समझने का प्रयास करें।
ये तैयारी होती है आपके इंटरव्यू की। दूसरा एम, एम से हुआ मेंटेनिंग अ बैलेंस परसेप्शन। आपको एक बैलेंस परसेप्शन बनाने की आवश्यकता होती है, आपको ना तो किसी चीज का बहुत विरोध करना है और ना ही आपको किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा बायस्ड होना है। तीसरा है अवेयरनेस एंड अटेंटिवनेस, आपको अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में अवेयर रहना होता है, अटेंटिव रहना होता है, यही आपके इंटरव्यू की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होती है। चौथा है आपको रिस्पॉन्सिव बनना है ना कि रिएक्टिव, आर से। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब यह है कि आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्टिव होने का मतलब है कि आप फटाक से जवाब दे देते हैं, सोचते समझते नहीं है। तो आपको रिएक्टिव नहीं होना है बल्कि आपको रिस्पॉन्सिव होना है। और टी का मतलब है टोटैलिटी इन कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए, टोटैलिटी होनी चाहिए उसमें, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि आपकी बातों को एक्सप्रेस कर रहा हो पॉजिटिवली। तो ये कुछ बातें हैं, इफ यू वांट टू क्रैक योर इंटरव्यू विद गुड मार्क्स तो आपको बनना होगा स्मार्ट। स्मार्ट बनने का क्या मतलब है ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपके लिए है, डू यू थिंक दैट द पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड बी अबॉलिश्ड। देखिए गवर्नर के पास जिम्मेदारियां काफी वेग हैं, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नर की जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए? आप अपने व्यू पॉइंट यहां पर दीजिए, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या आपके पास आर्गुमेंट है अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर? तो देखिए जवाब जरूर दीजिए और पार्टिसिपेट जरूर करें आप। स्पून फीडिंग से क्या होगा? स्पून फीडिंग से आपको सिर्फ स्पून का साइज पता चलेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको स्पून फीडिंग नहीं लेनी है बल्कि आपको पार्टिसिपेट करना है। जो आपको होमवर्क दिया गया है आप उसको करिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसको अटेम्प्ट करिए, उसको लिखिए, मैंने प्रॉपर इंडिकेशंस दिए हैं, और जो आपसे सवाल पूछा गया है इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो लिखिए। हमारी तैयारी में सब कुछ हो जाता है, ऐसे राइटिंग हो जाती है, आंसर राइटिंग हो जाती है, हिंदी की प्रिपरेशन हो जाती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो आप इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से सुने, समझे, इसका फायदा उठाएं और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर इंसेंटिव नहीं मिलता हमें। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारा हार्डवर्क है वो लोगों तक पहुंच रहा है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। तो आप इसे शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट।